जय हिंद पल्टन, कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जब हम एसएससी एग्जाम्स की तैयारी की बात करते हैं तो एसएससी का महापैक ऑल टाइम बेस्ट माना जाता है। एसएससी की प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारे से लोग आप में से उसको यूज़ भी कर रहे होंगे और बहुत सारे से लोग आगे सोच रहे होंगे कि मेरे को एसएससी महापैक के साथ शायद जुड़ना है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन सारे फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कई बार हम एसएससी महापैक में एनरोल तो कर लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि महापैक में ये भी फीचर था, उस कैसे उसको ऑपरेट करना है। मतलब मैंने चीज़ खरीदी लेकिन मुझे चलाना नहीं आती उतनी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है इसके अंदर साइलेंटली भी बहुत सारे से फीचर्स वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे फीचर हमें तब पता चल पाए, मैं अपनी बात करूं आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं, उसके पीछे की वजह यही है कि जो बच्चे एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो डीडी के एग्जाम हो, सीएचएसएल के एग्जाम हो, सीजीएल के एग्जाम हो, सीपीओ के एग्जाम हो, अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स में लास्ट टाइम या उससे पहले सिलेक्ट हुए, उनसे जब बात हुई तो ये पता चला कि हाँ सर, हम भी महापैक के साथ जुड़े हुए थे और मैंने ना महापैक के इस फीचर से बहुत लाभ उठा लिया। कोई कह रहा है मैंने इसको यूज़ कर लिया, बहुत अच्छे से मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। कुछ लोग कह रहे थे मैं तो जॉब करता था सर, लाइव क्लास नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे लिए ये फीचर जो था वो बेस्ट फीचर साबित हो गया। वो कौन से फीचर्स हैं जो शायद अभी कई सारे से बच्चे जब महापैक में तुरंत इनरोल करते हैं तो नहीं जान पाते और उनको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको भी उस सिलेक्शन को और ज़्यादा ईजी बनाना है या उस महापैक को प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग प्रॉपर तरीके के साथ कि कैसे हम उस महापैक को यूटिलाइज करें। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं इस एसएससी एग्जाम के अंदर स्टार्टिंग मुझे महापैक को यूज़ करने की, अपनी तैयारी को यूज़ करने की कहां से करनी चाहिए, है ना, फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम एसएससी एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं और मुझे ऐसे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या मैं कहूँ जो सारे एक एग्जाम को कवर करते हैं वो कौन कौन से हैं मेरे पास। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी, कोई भी एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपके पास आ रहा होगा, और जीए और जीएस। तो ये चार पोर्शंस को मुझे कवर अप करना है। अब इन चार पोर्शन को जब मुझे कवर अप करना है तो मैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से या एक बार या दो बार में क्लासेस को देखकर पहले ये पिक कर लूँ कि मुझे किस फैकल्टी से पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। आप बार बार या डे बाई डे या दो दिन, तीन दिन, एक महीना पढ़कर बार बार चीज़ों को रोटेट नहीं कर सकते, या आधा कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ा फिर 10 दिन वहाँ से पढ़ लिया फिर 30 दिन किसी और जगह पे चले गए, ये हमें नहीं करना है। पहले हमें ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे किस फैकल्टी से पढ़ना है, चाहे वो जीएस के लिए हो, चाहे वो रीजनिंग के लिए हो, जीए के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, हिंदी के लिए हो, मैथ के लिए हो, किसी के लिए हो। मैं अपने एक एक फैकल्टी को डिसाइड कर लूँगा क्योंकि मेरे पास जो एसएससी महापैक है, एसएससी महापैक के अंदर मेरे पास इतना एक्सेस है कि मैं हर एक चीज़ को कवर अप करने के चक्कर में अगर लगा या हर एक क्लास को देखने के चक्कर में लगा तो शायद मैं उतना बेहतर नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ऑल एक्सेस, जितने भी टीचर हैं उनके जितनी भी क्लासेस हैं अभी की, पुरानी, या मैं बात करूँ आने वाली, वो सारी क्लासेस आपको मिलने वाली। तो आपको अपने फैकल्टीज़ को पिक करना है, उन फैकल्टीज़ को पिक करने के बाद आपको अपने महापैक के साथ आगे की कहानी शुरू करनी है। अब जानते हैं हम एप्लीकेशन के माध्यम से कि हम कैसे क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। आपको ये जरूर चेक करना है कि एग्जाम कैटेगरी में एसएससी है कि नहीं है। नहीं है तो आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एग्जाम कैटेगरी दिख रही थी, ये मेन मेन्यू होता है आपका, यहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे क्लिक करते हैं, वहाँ सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स आ जाते हैं, रेलवे, बैंकिंग, जेट कैब, एसएससी आप देख रहे हैं। आपको एसएससी की तैयारी करनी है, आप एसएससी पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अब आपने अगर महापैक ऑलरेडी एक्सेस कर रखा है, आपने महापैक को इनरोल कर रखा है तो आप माई कंटेंट पर जाते हैं। तो आप माई कंटेंट पे जाएंगे तो यहाँ आपको सारा कंटेंट दिखाई देगा जो जो आपने इनरोल कर रखा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत कंटेंट आपको दिख रहा है। आपने अगर एसएससी का महापैक किया होगा तो आपको सिर्फ एसएससी का महापैक डायरेक्टली दिखाई देगा। इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको वन बाई वन सारे एग्जाम्स के नाम दिखाई देंगे, इस टाइप से आप देख पा रहे हैं ना, और यहाँ पर ही आपको एसएससी का महापैक दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, महापैक को ओपन करना है। जब मैंने महापैक को ओपन किया तो मेरे पास में सारा ये एक जनरली एक स्टडी मटेरियल जो मैं पढ़ रहा था वो सब दिखाई देगा। यहाँ पे आपको योर एग्जाम दिखाई देंगे, जो आपके एग्जाम्स हैं आप उनके बारे में जान सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आता है वो यहीं आता है, वो है मैनेज एग्जाम का। जब आप मैनेज एग्जाम्स की कैटेगरी पर जाते हैं तो यहाँ से आप अपने एग्जाम को मैनेज कर सकते हैं। इन द सेंस, मतलब मान लीजिए एसएससी महापैक में एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर अप होते हैं, जितने भी आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, जीडी हो, है ना, एएलपी, या आप देख पा रहे हैं जो मतलब और भी आपके एक्सेस होंगे वो सारे आपको दिखाई देंगे। अब आपको करना है, आपको सबसे पहला जो टास्क करना है वो ये करना है कि आप टारगेट कौन से एग्जाम को कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सिर्फ सीएचएसएल चाहिए या साथ में सीजीएल चाहिए और सिर्फ एमटीएस, ये तीन एग्जाम अगर मेरा टारगेट है मैं इन तीन को क्लिक करूंगा और डन कर दूंगा। अब क्या होगा, अब जो मुझे यहाँ पर कंटेंट दिखाई देगा वो अपने उन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग दिखाई देने लग जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को अगर सीजीएल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चाहिए कि मेरे को सीजीएल के फाउंडेशन से जो मैं सीजीएल की बाकी चीज़ें करनी, मैं सीजीएल पे जाता हूँ, ये सीजीएल के जनरल एक डिटेल मेरे को दिख गई, ऑल कोर्सेज के बाद अगर मुझे जाने मैं यहाँ से जा सकता हूँ,
तो यहाँ पर मेरे को सारी लाइव क्लासेस एंड ऑल सारा स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लग जाएगा। वन बाई वन क्लासेस के साथ मैं मतलब हर एक क्लासेस को देख सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। वहीं सिंपली अगर मैं बात करूँ ऑल बैचेस पर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास सारे बैचेस आ जाएंगे। अब जो मैंने आपको सबसे पहला टास्क दिया था वो यही था कि फैकल्टी को पिक कर कर आप ये देख लें कि आपको किस बैच के साथ पढ़ना है। अलग अलग बैचेस आपको दिख रहे हैं मैथ्स के, या कंपाइल बैचेस टीयर वन टीयर टू के लिए फाउंडेशन बैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं जो 21 मार्च से हुआ है। अब मान लीजिए कई सारे से बच्चे होंगे जिनको फाउंडेशन मजबूत करना है और उन क्लासेस के साथ जुड़ना है जहाँ से वो कहीं ना कहीं पहले से भी अपनी हर एक चीज़ को क्लियर कर पाएँ और बहुत ज़्यादा टाइम भी उनका ना खराब हो। तो आप क्या करेंगे, जैसे 27 जनवरी का एक फाउंडेशन बैच आपको दिख रहा है, अब आपने क्या किया, आपको इस पर क्लिक कर, ठीक है, इसके अंदर CGL CSSL CPO तीनों को कवर करता हुआ पूरा एक डिटेल फाउंडेशन बैच है। आप इस पर आ गए और फॉर एग्जांपल आपको रीजनिंग पढ़नी है तो आपको दिख रही है रीजनिंग इस बैच के अंदर, इकोनॉमिक्स इंग्लिश बुक है, ये फाउंडेशन बैच है तो बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ने को मिलेगा। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश रीजनिंग करनी है, आपने रीजनिंग पे क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रीजनिंग की सारी क्लासेस दिख जाएंगी। नोटिफाई मी करना है तो कर सकते हैं आप यहाँ से, है ना, जो भी चैप्टर आपको पढ़ने, क्लॉक हो गया, डाउट सेशंस अलग हो गए, कुछ बच्चों के डाउट होता है कि सर PDF नहीं मिल रही, तो जैसे आप क्लास के साइड में क्लिक करोगे तो ये आपका PDF का पोर्शन होता है। यहाँ से आप PDF को इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो अपने और PDF को इजीली एक्सेस भी कर सकते हो। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये एक्सेप्ट करते ही आपके सामने पूरा का पूरा जो PDF है वो ओपन हो जाएगा कि क्या क्या कंटेंट इस क्लास में आपको पढ़ाया गया, क्या क्या कंटेंट आपके पास है, देख सकते हैं आप, और एक पूरा का कंप्लीट PDF आपके सामने। तो ये PDF की समस्या आपके समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कि जो PDF के इश्यूज़ हैं आपको वो यहाँ से आपके दूर हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं और आगे समझते हैं, ये सारी कि इसमें पुरानी क्लासेस भी आप देख सकते हैं जिसमें आपको अपने डाउट्स हों, कि मेरे को मान लीजिए अल्फाबेटिकल सीरीज में डाउट था, कोडिंग रिकॉर्डिंग में डाउट था, तो मैं कोई भी क्लास अपनी रिकॉर्डेड एंड ऑल देख सकता हूँ। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सारी की सारी क्लासेस आपको दिख रही, इंग्लिश क्लास, ओरिएंटेशन क्लास, मैथ्स की क्लास। अगर आपके पास में काफ़ी सारी क्लासेस हैं, आप बार बार ढूंढने में काफ़ी परेशान हो जाते हो, या कोई बैचेस है जिसको आप ढूंढने में काफ़ी परेशान हो जाते हो कि सर मेरे को ये फाउंडेशन बैचेस की क्लासेस चाहिए बट बहुत नीचे मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, तो ये स्टार का ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, अब मार्क करते ही क्या हो गया, सबसे अच्छी चीज़ हो गई मार्क होते ही, अब आपको ये बैच हमेशा सबसे ऊपर दिखे। तो जो आपको लगता है कि मेरे को जो क्लासेस करनी है, जो बैचेस करने हैं, मैं उसको क्या करूँगा, मार्क कर लूँगा। जैसे मैं उन क्लासेस को मार्क करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मैथ्स मार्क किया, तो ये मेरे को सबसे ऊपर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ऑटोमेटिकली मैं इनको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलर आप क्लासेस के साथ भी कर सकते हैं, क्लासेस को भी आप लोग इजीली मार्क कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको रीजनिंग के बारे में बताया। अब आप इस फाउंडेशन बैच के रिगार्डिंग अपनी टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, तो वो आपको जो इस बैच के अंदर डिटेल्स मिल रही है, बैच के साथ चीज़ें मिल रही हैं, वो सारी देखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार से आप इसको एक्सेस करके चीज़ों को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब एक और बड़ा फीचर आपको देखने को मिलता है, जो नीचे स्टार आपको दिख रहा है, एक और मार्क दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही आप डाउट रूम में पहुँच जाएंगे। मतलब अगर आपको इनकेस कोई डाउट है तो आप ऑटोमेटिकली डाउट रूम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 से 7 बजे तक आप रीजनिंग का डाउट यूज़ कर सकते हैं, 2 से 7 तक मैथ्स का, अच्छा ये लाइव चल रहा है अभी इंग्लिश का डाउट रूम, है ना, तो आप यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं इजीली और अपने डाउट्स को डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये हर एक क्लास के डाउट रूम की भी आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी डेट वाइज, जैसे आप देख पा रहे हैं हाँ नेक्स्ट डेट के सारे डाउट्स की टाइमिंग एंड ऑल, तो आप यहाँ जाकर आराम से डाउट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ये भी महापैक का एक बेटर फीचर जो बहुत सारे से विद्यार्थियों को नहीं पता होता। तो आप कोई भी बैचेस के साथ में जुड़ सकते हैं, मैंने अभी आपको सिर्फ एक CGL के एग्जांपल लेकर दिखाया है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको MTS करना हो, आपको हो सकता है कि कुछ और करना हो, तो आप यहाँ से अपने कोर्सेज को चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने बैचेस को भी चेक कर सकते हैं। अब कोर्सेज के अंदर आप अपनी टेस्ट सीरीज को भी देख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम वाइज टॉपिक वाइज आप अपनी टेस्ट सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कोर्सेज के अंदर जाकर आप अलग अलग टीचर्स की वीडियो कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, जो जो वीडियो कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। वहीं ई बुक्स के साथ जुड़कर आपको जिस सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए, जैसे मैथ्स की बुक्स को यूज़ करना है, तो आप यहाँ से मैथ्स की बुक के साथ जा सकते हैं और इजीली इस मैथ्स की बुक को भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जो जैसे ये मैथ्स की बुक आप देख पा रहे हैं कंप्लीट आपके सामने ओपन होगी, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने ई बुक्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके एग्जाम्स को। आप चीज़ों को फैकल्टी वाइज मार्क करना स्टार्ट करिए कि कौन सी फैकल्टी से आपको चीज़ें पढ़नी है, बैचेस कौन से करने हैं, उन बैचेस को मार्क करिए। जरूरी नहीं कि हम हर एक क्लास को लाइव ही क्लास में अटेंड करें। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को फाउंडेशन बैच से ज़्यादा समझ में आ रहा है मैं इसको, बट मैं जब तक महापैक में एनरोल किया हूँ तब तक ही महापैक फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो मैं इसकी पुरानी क्लासेस को रिकॉर्डेड में करूँगा और इजीली इससे बाकी चीज़ें समझता हुआ चलूँगा, है ना। तो सिमिलरली आप हर एक बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जो नए बैचेस आएंगे वो भी आपको मिलते रहते हैं, जो ओल्ड बैचेस हैं वो भी आपको मिलते रहते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जिस बैच से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, जहाँ से आप ज़्यादा चीज़ें क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को पढ़ें। आपको स्टेनोग्राफर का करना है, आपको CHSL के लिए करना है या हिंदी टाइपिस्ट के लिए करना है, आप उस बैच पर जाते हैं, इजीली क्लिक करते हैं और वहाँ से उसकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक फंडा है दोस्त, जिसको आप ज़रूर यूज़ करें
और जो भी आपके सारे इसके अलावा भी कोई डाउट बने तो आप उनको कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक महापैक को इनरोल नहीं किया होगा और वो भी उसके ऑफर्स का लाभ उठाना चाहते हैं। तो दोस्त मैं आपको बताऊँ, आपको स्टोर पर विजिट कर रहे हैं, वहाँ से आप SSC महापैक पर जाएंगे सिंपली, और यहाँ आपको सारे महापैक दिखते हैं, CHSL का महापैक, CGL का महापैक, MTS का महापैक, रेलवे का महापैक। आपको क्या करना है, सिंपली आपको SSC महापैक पर क्लिक करना है। सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊँ कि आज अगर आप महापैक इनरोल करते हैं तो पहले तो आपको डबल वैलिडिटी ऑफर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 12 मंथ पे 12 मंथ एक्स्ट्रा, 12 + 12 मंथ। वहीं आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं इसके क्राइटेरियाज को, आप 12 + 12 मंथ की जगह पे 6 + 6 मंथ के साथ भी जा सकते हैं और 12 + 12 मंथ के साथ भी जा सकते हैं। मतलब डबल वैलिडिटी ऑफर आपको देखने को मिल रहा है। 6000 से ऊपर टेस्ट सीरीज, 10000 से ऊपर वीडियोज, 2000 से ऊपर ईबुक्स जो मैंने भी आपको दिखाई थी महापैक के अंदर, वो सब कुछ आपको मिलेंगी। और अब मैं आपको बता दूं कि एक और बेनिफिट क्या है, ये 2 साल के लिए महापैक आपको 2749 में नहीं, इससे भी बड़ा ऑफर मैं आपको बताता हूँ। मोर ऑफर पे जाना है और आपको आज के दिन कूपन कोड यूज़ करना है Y274। इस कूपन कोड को लिखकर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कूपन कोड अप्लाई होगा ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट है वो 2499 रह गई। अभी आप इसके साथ 1% के लिए क्वाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 2374, मतलब मात्र 2374 रुपये में आपको 2 साल के लिए SSC का महापैक मिल रहा है। अब वाई नाउ पर जाएंगे इसके बाद और सिंपली अपना नाम मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे और फिर वहां से आपको पेमेंट डालने का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं कोई भी एक नंबर अभी एंटर कर देता हूं और वो डालने का जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहां से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आप इजीली पेमेंट करके इसको इनरोल कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं आपको जरूर क्लियर कर दूँ कि डबल वैलिडिटी ऑफर अभी के लिए वैलिड है, साथ में 81% का जो डिस्काउंट आपको विद कॉइन मिल रहा है तो आप इसका लाभ अभी उठा सकते हैं तुरंत जाकर Y274 Y274। थैंक यू सो मच।